हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एमरेले में। देखो जूनियर जो आपको जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है अभी फिलहाल के लिए 210 वैकेंसी है, ठीक है 210 वैकेंसी है। तो जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस मैं इसी क्लास में आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले कि एग्जाम सेंटर कहाँ है, तो देखो एग्जाम सेंटर जो है आपका वो दिल्ली में, ठीक है, इसके लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आपका एग्जाम सेंटर होगा दिल्ली में ही। और अगर आप पूछोगे मैम दिल्ली जाने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा लग जाएगा, आपको प्लेन से जाने के लिए कोई कह नहीं रहा है, आप ट्रेन से जा सकते हैं। और ट्रेन का जो फेयर है, ठीक है, जो मतलब जो भी प्राइस वगैरह है, 3 AC का भी निकालोगे तो भी अराउंड 1000 के आसपास चला जाएगा, ठीक है। मतलब जहां से मैं बिलोंग करती हूँ वहां से तो उतना ही दिखाई दे रहा है, मतलब जो नागपुर से जो टिकट है वो ज्यादा नहीं है वैसे, ठीक है। तो मुझे जहां तक लगता है कि अगर आप ट्रेन का टिकट निकालोगे तो ट्रेन टिकट सस्ते में गिरेगा आप लोगों को। ट्रेन का टिकट जाने का आने का कर सकते हो आप लोग, 2 घंटे का एग्जाम है, और दोपहर में एग्जाम होता है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि सुबह की ट्रेन कर ली, मतलब लेकिन सुबह वहां पहुंच गए 7-8 बजे तक पहुंच गए, और फिर पूरा दिन आपको स्पेयर टाइम मिलेगा, और फिर रात की फिर से ट्रेन करनी है वापस वाली, तो ट्रेन टिकट कर लोगे तो भी हो जाएगा। और अगर आप मुझसे कहोगे कि मैम एग्जाम सेंटर इतनी दूर है मैं फॉर्म फिलअप नहीं करूंगा, आपको इतना बेवकूफ मैंने अपने जिंदगी में नहीं देखा होगा कि जस्ट बिकॉज एग्जाम सेंटर इतना दूर है तो आप नहीं जाओगे। लोग कन्याकुमारी तक चले जाते हैं, जम्मू कश्मीर रहने वाला बंदा तमिलनाडु को जाके पेपर दे रहा है, और आप लोगों को सिर्फ दिल्ली जाना नहीं हो रहा है, मतलब लेकिन व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, ठीक है। अगर आप इतना नहीं कर सकते हो, जद्दोजहद नहीं कर सकते, तो आसानी से घर पे आकर कोई जॉब नहीं देने वाला है। आप लोगों को भी पता है कि क्या हालत हो रही है गवर्नमेंट जॉब की, ठीक है। तो ये जो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है। सेकेंडली एग्जाम की लैंग्वेज क्या होगी, तो एग्जाम की लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश है। तो जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है इंग्लिश से, फिर वो लोग इसका फॉर्म फिलअप ना करें, मैं क्लियरली बता दूं, क्योंकि कंपटीशन हाई लेवल पे है। 2017 का किसी को उतना पता नहीं था, लेकिन इस बार जो है अवेयरनेस बहुत ज्यादा है लोगों को, और अवेयरनेस से ज्यादा डेस्पिरेशन इतना है कि बच्चे फॉर्म फिलअप करेंगे ही करेंगे। सो प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही ज्यादा कमजोर है, आप नहीं समझ सकते कुछ भी, तो प्लीज ये फॉर्म फिलअप ना कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है हाउ टू इंक्रीज टाइपिंग टेस्ट, यहाँ पे होना चाहिए इंक्रीज टाइपिंग टेस्ट। तो मैंने इसके लिए आपको डायरेक्टली एक वेबसाइट बता रखी है, 10 fingers, ठीक है, 10fastfingers.com, ठीक है, 10fastfingers.com। तो आप उस पर जाके डेली डेली प्रैक्टिस कर सकते हो, डेली 10 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए आप लोग वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हो, आपकी टाइपिंग ऑटोमेटिकली टाइपिंग की स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है, ये करके देखिए। सेकेंडली यहाँ पे और क्या क्वेश्चन है कि इंटरव्यू के मार्क्स कितने, तो अभी तक ये किसी को भी पता नहीं है, कोई भी नहीं बता सकता कि इंटरव्यू के कितने मार्क्स है, क्योंकि वहां पे क्लियरली कुछ भी मेंशन करके नहीं दिया हुआ है। सो यू हैव टू जस्ट क्लियर स्टेज वन एग्जाम, और फिर उसके बाद देख लो कि क्या करना है। सेकेंडली मुझे डिस्क्रिप्टिव के बारे में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैम डिस्क्रिप्टिव कैसा होगा बताना। तो डिस्क्रिप्टिव सामान्य होगा, जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आप लोग डिस्क्रिप्टिव लिखते हो, जैसे MTS के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो वहां पे भी डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ता है, SSC सीजन में भी लिखना पड़ता है, तो जिस तरह का वहां पे माहौल है वैसे ही कर सकते हो। आर्यन की एक बुक परचेस कर लेना, मैं बाद में बताऊंगी जब इसका डिस्क्रिप्टिव होगा तब बता दूंगी, आप उससे भी पढ़ सकते हो। फिलहाल के लिए पहले स्टेज वन के लिए तैयारी करो। सेकेंडली यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि मैम क्या ऑनलाइन होगा या एग्जाम या ऑफलाइन होगा, तो देखो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो पिछले साल जो है 2017 वाली जो वैकेंसी आई थी वहां पे पेपर आपका ऑफलाइन था, ठीक है, वहां पे पेपर ऑफलाइन था। तो अभी कोई भी नहीं बता सकता कि इसका एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा तब तक जब तक आपका एडमिट कार्ड नहीं आ जाता। जहां तक मुझे नजर आ रहा है ये पेपर ऑफलाइन ही हो सकता है, क्योंकि कल मैंने कहा था कि इसका एग्जाम ऑनलाइन हो सकता है, बट मैंने मेरे फ्रेंड से पूछा तो ही वॉज लाइक कि ऐसा कुछ नहीं होता कि वहां पे अगर आपको टाइपिंग टेस्ट हो तो ऑनलाइन एग्जाम होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ऑफलाइन पेपर होने के बाद आप लोगों को तुरंत एक कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता है, और वहां पे आप लोगों की टाइपिंग टेस्ट भी हो सकती है। तो और कल का जो नोटिफिकेशन है, जो नोटिस है, उसमें भी बताया गया है कि रिटर्न टेस्ट, तो रिटर्न टेस्ट का मतलब क्या है कि ऑफलाइन होगा इसका एग्जाम। जैसे IBACIO का जो एग्जाम था 2017 का, किसी को याद है IBACIO का एग्जाम किसने दिया होगा 2017 का, तो वो एग्जाम हुआ था ऑफलाइन, ठीक है, वो एग्जाम हुआ था ऑफलाइन। बाद में जब ये 2021 में IBACIO की जगह निकली थी तो वो एग्जाम हुआ था ऑनलाइन। तो अभी फिलहाल के लिए ये क्लैरिटी नहीं है कि एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, लेकिन जहां तक मुझे नजर आ रहा है पिछले साल का अगर हम रेफरेंस ले तो ऑफलाइन हो सकता है पेपर, ठीक है, ऑफलाइन हो सकता है। तो ये भी बात क्लियर हो गई यहाँ पे। सेकेंडली एग्जाम की डेट क्या हो सकती है, तो देखो सेप्टेम्बर मिड में आपका एग्जाम हो जाएगा, मिड सेप्टेम्बर में आपका एग्जाम हो जाएगा, इतनी मैं गारंटी दे सकती हूँ। अगर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेच किया जाए तो अक्टूबर में होगा इसका एग्जाम, लेकिन डेफिनेटली 3 महीने से ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा इस एग्जाम के लिए, ठीक है।
अब देख देन ज्वाइनिंग डेट देखो, दिसंबर के पहले पहले आप लोगों की ज्वाइनिंग आ ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 31/12/2022 तक ये सारे जो वैकेंसी निकली है उनको फुलफिल करना है, तो आपका जो ज्वाइनिंग होगा वो दिसंबर से पहले पहले हो जाएगा। तो अच्छी वैकेंसी है, प्लीज उसको जाने मत दीजिए अपने हाथ से, यू नो उसको, जस्ट बिकॉज आपकी इंग्लिश कमजोर है, जस्ट बिकॉज आप इतने दूर नहीं जा सकते, जस्ट बिकॉज फीस इतनी है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारे जो फालतू के रीजन है वो उसको कट ऑफ करेंगे ना, तो 100% आप इसका कट ऑफ भी क्लियर करेंगे और जो है आप इसका जो है मजा भी लेंगे। आप वर्किंग सिटी क्या है, तो दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली है, दिल्ली में ही आपकी जहां तक मुझे नजर आ रहा है दिल्ली में ही आपका जो है दिल्ली में अलग अलग इसका कोर्ट मतलब लाइक कि आपको वहीं पे काम करने के लिए कहा जाएगा। अगर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा लाइक कि बहुत ज्यादा वैकेंसी है, 210 वैकेंसी है, तो हो सकता है कि आप लोगों को अलग अलग जो हाई कोर्ट के बेंचेस है वहां पे भेजा जाए, बट जहां तक नजर आ रहा है सिर्फ दिल्ली में ही आप लोगों की, हो सकता है कि आपकी सिटी जो है वर्क सिटी दिल्ली होगी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। देन प्रमोशन के लिए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि मैम प्रमोशन का क्या है सीन, तो देखो अभी तो जूनियर असिस्टेंट बन रहे हो, थोड़े दिनों बाद 5 साल के बाद वहाँ पे सीनियर असिस्टेंट बन जाओगे, फिर उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो आपको वहाँ पे वर्क प्रोफाइल में ही देखने को मिलेगा, लेकिन जहां तक अभी नजर आ रहा है तो 5 साल का टाइम लगेगा आपको प्रमोशन होने के लिए, ठीक है। और भी कोई अगर प्रॉब्लम है, और भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बता देना। एंड सेकंडली मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप जीके, मेरे जो जीके का बुक है वो भी पढ़ लेंगे और जो मेरा कंप्यूटर लिटरेसी का बुक है वो भी पढ़ लेंगे तो सफिशियंट है। 25 मार्क्स इसके, 25 मार्क्स इसके, दोनों मिला के 50 मार्क्स की गारंटी मैं खुद देती हूँ। और 50 मार्क्स के लिए आई एम प्लानिंग समथिंग कि जिसमें आपके 50 मार्क्स 100% आप लोग उसको सिक्योर ही कर लो। सो आई एम प्लानिंग समथिंग, अगर देखते हैं वो फुलफिल होता है तो बहुत बढ़िया बात है। 26 जून के बाद मैं फ्री होने वाली हूँ, क्योंकि घर में फंक्शन है तो 26 जून के बाद मैं फ्री हूँ, तो उसके बाद ही मैं इसकी क्लासेस लूंगी, तो तब तक प्लीज आप बने रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज कीप वाचिंग। थैंक यू।